सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज जो है मैं आप सब लोगों को जो है आज मैं आपको एक अच्छा सा जो है आबशार दिखाऊंगा। अच्छा नहीं, मैं बहुत खूबसूरत आबशार जो है वो आपको दिखाऊंगा, हमारे गांव में है वो भी। तो फिर आपने जो है व्लॉग को जो है वो एंड तक देखना है। तो आज का जो है वो व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। अभी जो है मैं अपने गाँव के जो है ऊपर आया हूँ, यहाँ पर इधर से ऊपर भी गाँव है। तो ये जो है हमारा गाँव है। तो अभी जो है मैं ऊपर जा रहा हूँ आबशार करने के लिए, उधर जा रहे हैं, इधर है वो आबशार। तो ये जो है तस्सू गोल है, ये बहुत बड़ा गांव है ये भी। अभी हम उधर जाएंगे, उधर से भी गांव का जो है वो नज़ारा देखेंगे। इसके अलावा उस तरफ भी जो है वो पानी आता है। अभी जो है मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो फिर आप सब ने जो है मेरे साथ रहना है। तो आपको जो है आबशार भी दिखाते हैं, इसके अलावा जो है गाँव का जो है वो व्यू पॉइंट भी दिखाते हैं। तो फिर जो है आपने हमारे साथ रहना है। इस तरफ से जो है हमारा गांव है, ये हमारा गांव हसनाबाद गोल है और ये तस्सू है। तो अभी से यहाँ पर आप देख सकते हैं जी गाने यहाँ पे है, तकरीबन 120 कहते हैं लोग, कहते हैं कि 120 यहाँ पे गाने रहते हैं, तो 80-90 तक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ से जो है घर नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं, आपने जो हमारे साथ रहना है। तो दोस्तों अभी जो है हम तस्सू जो गांव है उधर हम पहुंच चुके हैं। यहां से जो है आबादी स्टार्ट है। अभी हमने उधर जाना है, यहां से थोड़ा सा नज़र आ रहा है आबशार। तो यहां पे हॉस्पिटल वगैरह भी है और उधर स्कूल भी है। तो अभी चलते हैं। तो इधर स्कूल भी है। तो 2009-10 में जो है जब मैं नर्सरी क्लास में था तब मैं इधर आता था। आज से तकरीबन 14 साल पहले, तकरीबन 2009-10 में, इसके बाद मैं तकरीबन 2010-11 में जो है मैं प्रेप क्लास में दूसरे स्कूल में मैंने दाखिला लिया था। तो अभी जो है हम ऊपर चलते हैं गांव, यहां से आप देख सकते हैं जी ऊपर पहाड़ भी है। तो अभी जो है हम आबशार के जो है वह करीब पहुंचने वाले हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं जी, ये पानी जो है ऊपर से आता है नाले से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाँव को, ऊपर जाके हम आपको अच्छी तरीके से दिखाएँगे। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, ये रास्ता है, थोड़ा मुश्किल है। तो पहले तो मैं इधर काम से आया था, तो फिर मैं सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो अभी चलते हैं जी, इधर से रास्ते आप चेक कर सकते हैं जी, इस तरह के रास्ते हैं। इधर से अभी पानी आया था, तो अभी इधर से भी पानी आ रहा है। जो पानी ऊपर से आता है वो यहाँ से जा रहा है, और इधर से जो है वो खेत में डालते हैं। अभी जो है गंदम वगैरह खत्म हुआ है, मकई वगैरह है और दूसरे जो घास वगैरह है उनको डालते हैं। तो इस जगह को जो है वो थंग कहते हैं जी। तो अभी जो है हम यहाँ से चलते हैं, इधर से भी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो आपको पसंद आएगा जी आबशार। तो ये जो है कुदरती आबशार है। तो हम अभी उधर चलते हैं जी, आपको दिखाएंगे। तो अभी जो है हम आबशार के जो है वह करीब पहुंच चुके हैं। आज जो है पानी थोड़ा कम आ रहा है ऊपर से, क्योंकि जो है वो बर्फ़ ख़त्म हुए ऊपर से। तो अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर से किस तरीके से जो है वो पानी आ रहा है। तो अगर ये पत्थर थोड़ा नीचे भी होता तो फिर ये बहुत खूबसूरत लगना था। तो अभी भी ये थोड़ा खूबसूरत है। तो इधर से जो है आप गाँव का नज़ारा चेक कर सकते हैं जी। ये जो है तस्सू गोल है। तो यहाँ से जो है पूरा हम इलाका देख सकते हैं। अभी हम अगर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो फिर हमारा घर भी उधर से नज़र आएगा। तो अभी जो है हम और ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो है हम लेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कितना खूबसूरत है, यहाँ पे खेत वगैरह भी है। तो यहाँ पे घराने हैं, बहुत ज़्यादा घराने हैं इधर। तो ऊपर पहाड़ भी आप देख सकते हैं जी, और जो है इधर भी पहाड़ है। अगर ऊपर से कोई पत्थर आए तो हम पर गिर जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जी कितने सारे जो है पत्थर, यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो चुका है यहाँ पर, तो पूरा पत्थर ही पत्थर है। तो चलते हैं जी और ऊपर आगे पानी के पास चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम पत्थर के ऊपर जो है पाँव रखते हुए जा रहे हैं, और यहाँ से जो है हमारा मोबाइल इधर कहीं गिर गया ना तो फिर मोबाइल भी नहीं मिलेगा। तो इतने सारे पत्थर है यहाँ पे, अभी यहाँ से चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो है ज़्यादा पत्थर है। अब हम थोड़ा और करीब आ चुके हैं और यहाँ से पानी उधर खेतों की तरफ जा रहा है।
इतना ख़ूबसूरत नज़ारा आज तक मैंने कभी नहीं देखा। तो अभी जो है हम पहुंच चुके हैं जी आबशार के बिल्कुल करीब। तस्तु गोल का यह ख़ूबसूरत आबशार आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर से पानी आ रहा है तो यहाँ से भी आ रहा है थोड़ा बहुत। इधर से आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा इधर से आ रहा है, हर तरफ से आ रहा है, यहाँ से भी थोड़ा आ रहा है, उस तरफ से जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी, तो यहाँ से हम नज़ारा आप देख सकते हैं जी, आप भी देख सकते हैं। जो हमारे भाई जो है यहाँ के गांव के रहने वाले प्रदेश में हैं, उन सबको जो है ये वीडियो जाएगा और वो सब लोग खुश हो जाएंगे ये नज़ारा देख के। तो यहाँ पे आप इस तरफ भी देख सकते हैं ये पहाड़ को, और उस तरफ देख सकते हो यार, और इस तरफ जो है वो केटू इस तरफ को आता है। तो जब हम ऊपर नाले की तरफ जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। तो यही दिखाना था आप लोगों को, तो यह मकसद जो है वो पूरा हो चुका है, आबशार दिखाना था। तो इधर हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन पानी आता है, बाकी उस साइड पे आता है पानी। तो आज मैंने देखा कि इस तरफ पानी आ रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो आप लोग जो है इसका अच्छी तरीके से मज़ा ले रहे होंगे। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो फिर आप आ सकते हैं जी। ये स्कर्दू से 32 किलोमीटर के फासले पर गोल गाँव आता है, और गोल जब आते हैं तो फिर जो शुरू में जो गांव आता है तस्सु गोल, उस तरफ आपने कच्चे रास्ते की तरफ जाना है। तो फिर आप जो है इस खूबसूरत आबशार को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं जी घूमने, ये भी अच्छी जगह है। कोई अगर इसको थोड़ा इसको बनाने की ज़रूरत है, रास्ते को थोड़ा ख़राब है, इसके अलावा जो है इस आबशार पर थोड़ा और अगर पानी आ जाए और इसका थोड़ा मॉडिफाई किया जाए ना, तो फिर ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, अभी मैं उसके ऊपर ही खड़ा हूँ, यहाँ से मैं गिर भी सकता हूँ। तो आप तो अभी जो है मैं बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी पानी का जो ज़ोर है, यहाँ पे छींटे भी ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप इधर से देख सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं जी पानी को, यहाँ से आ रहा है पानी। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, तो मैं जो है तस्सु के जो लोग हैं उनसे कहूँगा कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, ताकि लोग यहाँ पे भी घूमने आए और हमारा भी रोज़गार। अगर आप यहाँ पे बंदे आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे आप चीज़ें वगैरह बेचते हैं, तो फिर आपका भी रोज़गार चलेगा, उनको भी इस तरह की चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। तो ये पानी है, और इधर से नीचे जो है हमारा गाँव है। तो हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, और ये गाँव का जो है नज़ारा भी आप देख सकते हैं। तो आ जाएं आप सब, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आप फ़ोटो भी अच्छी तरीके से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास DSLR कैमरा है, इसके अलावा अगर आपके पास ड्रोन भी है, तब भी आप इसकी अच्छी तरीके से वीडियो वगैरह बना सकते हैं। तो ये था जी, अभी इस साइड से पानी कम आ रहा है, उस साइड से ज़्यादा आ रहा है, और इस साइड से थोड़ा आ रहा है। तो आज तो है पानी थोड़ा कम था, यहाँ पर घास वगैरह भी है, और इसके ऊपर भी घास है, वो हम एक दिन आपको दिखाएंगे जब हम घास काटने जाएंगे उधर। तो उस जगह को जो है तरसोक कहते हैं, और इस जगह को जो है वो ब्यांगा कहते हैं। तो इस जगह से जो है हम पूरा देख सकते हैं। तो चलते हैं जी, ये ही आपको दिखाना था ये आबशार, तो हमने आपको दिखा दिया है। तो फिर आपने जो है वीडियो को जो है लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। इसके अलावा आपने बताना है कि और कौन कौन सी वीडियो बनाएं गांव के हवाले से, अपने कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि हम जो है अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप सबको दिखा सकें, आप सबको आप सबके लिए बना सकें। तो यहाँ से जो है पानी जा रहा है। तो अभी जो है हम वापस आ चुके हैं, यहाँ पे थे अभी हम, 5 मिनट में हम इधर पहुँच चुके हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे भी जो है दरख्त वगैरह है। तो इधर से जो है यहाँ से जो है हमारे नाना का जो गाय था वो यहाँ से गिर गया था, वो मर गया, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है। तो अभी जो है हम चलते हैं। ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो क्या क्या करना चाहिए, आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज का व्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं। मुजम्मिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।